नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस बिज़नेस आइडिया में मैं आपको एक यूनिक बिज़नेस आइडिया के बारे में बताऊंगा और उसका नाम है हाउ टू ओपन प्ले स्कूल। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं इसमें 100% एक एक बिंदु पर पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे प्ले स्कूल को स्टार्ट करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, क्या करिकुलम होता है, कितना बजट हो सकता है, मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए और इन फ्यूचर आप इसमें फ्रेंचाइजी कैसे ला सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ों पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहला हो गया एरिया सिलेक्शन, स्पेस रिक्वायर्ड, क्या क्या इक्विपमेंट लेना चाहिए, करिकुलम को क्या है, करिकुलम आपको समझाऊंगा, टीचर ट्रेनिंग भी इसमें इम्पॉर्टेंट है तो कैसे टीचर का ट्रेनिंग होगा, मार्केटिंग कैसे होगा उसमें खास करके ऑनलाइन प्रमोशन, समर कैंप वगैरह का भी ऑर्गेनाइजेशन होता है और लास्ट हो गया इसमें कंप्लीट गाइडेंस हर एक स्टेज। सबसे पहला पॉइंट हो गया इसमें हमारा लोकेशन। देखिए, लोकेशन के लिए उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप कहाँ ओपन कर सकते हैं। तो आप बड़े शहर में भी इसको ओपन कर सकते हैं, छोटे टाउन में भी ओपन कर सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आप ओपन कर सकते हैं। तो आप कोई भी शहर, कोई भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह हो, आप वहाँ पर इसको चूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट होता है कि हम इसमें लोकेशन कैसे चूज करें। लोकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान देने वाला ये है कि एरिया आपका रेसिडेंशियल होना चाहिए, किसी भी बाज़ार में ना हो, कमर्शियल बिल्डिंग में ना हो, जहाँ पे हेवी ट्रैफिक लगता हो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जगह आप ओपन करिए जहाँ पे ग्रीनरी हो, आसपास में अगर पार्क वगैरह नेचुरल हो कहीं पे, ऐसे तो कम ही मिलता है, वैसे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात, बिल्डिंग आप जब भी लें तो पूरा बिल्डिंग आप ही का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऊपर में मकान मालिक रह रहा हो, बीच में आपका प्ले स्कूल है और साइड में कहीं दुकान चल रहा हो। ऐसे एरिया को, ऐसे बिल्डिंग को प्रेफर नहीं करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा स्पेस। इसमें कम से कम 900 स्क्वायर फीट के आसपास का स्पेस आपको लेना होगा और मैक्सिमम का तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप जितना भी लें, बट मिनिमम अगर आप कहीं शुरुआत कर रहे हैं तो 900 स्क्वायर फीट का एक फुल फ्लेज्ड स्पेस आप लीजिएगा। और इस स्पेस में क्या क्या आपको ध्यान देना चाहिए, आप ये चीज़ ज़रूर देखिए कि उसमें इनफ रूम हो, क्योंकि इस रूम में आपको अलग अलग क्लासरूम बनाना होगा, एक्टिविटी रूम बनाना होगा, बच्चों के इंडोर खेलने के लिए आपको अलग सा रूम बनाना होगा, नैप रूम भी बनाना पड़ता है। और बिल्डिंग के आगे में कुछ स्पेस ज़रूर हो क्योंकि बाहर में भी आपको खेलने के लिए छोटा मोटा स्लाइडिंग या आपको रॉकर वगैरह ये सब चीज़ें लगानी पड़ती हैं। तो इतना ज़रूर ध्यान दें कि 900 स्क्वायर फीट का टोटल एरिया हो और बाहर में भी आपको कुछ स्पेस मिल जाए। प्ले स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का लेआउट आप समझिए। जो भी आपने बिल्डिंग जैसे सेलेक्ट कर लिया, उस बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहला हो गया इसमें आपका रिसेप्शन, सेकेंड हो गया क्लासरूम्स, तीसरा हो गया नैप रूम। नैप रूम का मतलब होता है कि बच्चे ना जनरली स्कूल में आते हैं लेकिन वो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं तो वो उनको नींद आने लगती है, तो ये उनके लिए होता है, जिनको नींद आ गया उनको प्रॉपर सुलाना है। चौथा हो गया ऑडियो विजुअल रूम, जिसमें आप बच्चों को दिखाएंगे, चीज़ों को बताएंगे, राइम्स वगैरह आप दिखा सकते हैं, कुछ गाने वगैरह। फिफ्थ हो गया इसमें एक्टिविटी रूम, जिसमें आप जनरली सिखाते हैं, जैसे एक्टिविटी आप करके दिखाएंगे, मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी आप करके दिखाएंगे, इन सारी चीज़ों के लिए एक एक्टिविटी रूम होता है। छठा हो गया बॉल रूम या प्ले रूम। देखिए, प्ले रूम एक होता है और एक दूसरा होता है प्ले ग्राउंड। तो आपको सबसे पहला प्ले रूम होना चाहिए जहाँ पर आप इंटीरियर में ही कुछ गेम्स का बच्चों के लिए दे पाएँ। और लास्ट में होगा आपका सेवेंथ में डाइनिंग रूम, जहाँ पर बच्चे अपना टिफिन खा पाएँ। इसमें नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा आउटडोर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बिल्डिंग के अंदर की बता दी। अब आउटडोर में क्या होना चाहिए, तो उसमें नंबर वन होता है आपका स्विमिंग पूल। देखिए, ये ऑप्शनल है। जनरली आज के डेट में स्विमिंग पूल बहुत सारे प्रॉपर्टीज पर मिलता नहीं है, तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। वैसे आप चाहें तो आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल आप रख सकते हैं। सेकेंड हो गया गार्डन। गार्डन ज़रूर होना चाहिए, हरा भरा जगह होगा तो बच्चों का, तो आप छोड़िए, बच्चे के पेरेंट्स को वो अट्रैक्ट करेगा और बच्चे के पेरेंट्स को अच्छा लगा तो ही वो आपके यहाँ एडमिशन दिला पाएंगे। तो इसीलिए गार्डन हो, इस बात का ध्यान दीजिए। तीसरा हो गया आपका असेंबली के लिए एक स्पेस होना चाहिए। सबसे लास्ट हो गया आपका प्लेग्राउंड का स्पेस होना चाहिए, जैसे उसमें स्लाइडर के लिए जगह हो, रॉकर के लिए जगह हो, बच्चे थोड़ा दौड़ पाएँ, ये सब स्पेस उतना हो, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। परचेज ऑफ इक्विपमेंट, किन किन इक्विपमेंट्स का आपको परचेज करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि प्ले स्कूल का पर्पस जो है वो है इंटरटेनमेंट, लर्निंग थ्रू प्ले, और तीसरा हो गया हेल्थ एंड एक्सरसाइज। ये तीनों चीज़ें प्ले स्कूल का एक मेन पर्पस होता है।
इस पर्पस को सॉल्व करता हुआ सा दिखे आपका प्ले स्कूल, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले स्कूल के फर्नीचर में आपको क्या लेना चाहिए, तो जनरली इसमें देखिए प्लास्टिक का मोल्डेड या वुडन टेबल होता है, चेयर होता है, डेस्क होता है, रिसेप्शन के लिए टेबल होता है, फिर वहाँ पे आगे में बैठने के लिए एक चेयर लगा हुआ होता है, फर्नीचर फॉर स्टाफ होता है और डाइनिंग टेबल होता है जो बच्चे वहाँ पे खाएंगे। ये सारा जो टेबल है ये बड़ा टेबल नहीं है, ये बच्चों के हिसाब से है, कुछ टेबल को छोड़ दे। तो सेकेंड पॉइंट हो गया इसमें खेलने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट लेना होता है। तो नंबर वन इसमें हो गया स्लाइड, रॉकर, साइकिल्स, बॉल रूम्स, प्ले स्टेशंस, प्ले हाउसेस, सैंड पिट और जिम। इसमें आपको जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे तो वो आपका अट्रैक्शन रहेगा आपके प्ले स्कूल का। नेक्स्ट हो गया इक्विपमेंट फॉर एक्टिविटी रूम। एक्टिविटी रूम में क्या क्या आपको इक्विपमेंट रखना चाहिए, तो सबसे पहला हो गया स्पिंडल बॉक्सेस, पजल्स, ब्लॉक्स, अल्फाबेट्स, टावर्स। सेकेंड लास्ट हो गया हमारा प्ले स्कूल का इंटीरियर कैसा होना चाहिए। ये आपका सबसे बड़ा USP होगा आपके प्ले स्कूल का, क्योंकि इंटीरियर और इसका जो आउटिंग आपने बनाया है डिज़ाइन, वही चीज़ें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं बच्चे को भी और बच्चे के पेरेंट्स को भी। तो इंटीरियर में आपके जो दीवार का पेंटिंग है वो फंकी कलर का होना चाहिए। येलो कलर पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, येलो हो गया, ग्रीन हो गया या हल्का रेड हो गया, आपका गुलाबी, इस टाइप का कलर आप रखिए। वॉल पर हैंगिंग वगैरह होता है, बुक रैक हो गया जहाँ पर बच्चे अपना किताब वगैरह रख पाएँ। लास्ट हो गया मिसलिनियस, कुछ कुछ आपको इक्विपमेंट लेने पड़ सकते हैं, जैसे स्टेशनरी के आइटम्स हो गए, यूनिफॉर्म्स हो गए, बैग्स हो गए, प्रोजेक्टर हो गया, इंटरैक्टिव सीडीज़ वगैरह हो गया। सीडीज़ में वही जैसे जो बच्चों के राइम के लिए सीडीज़ होते हैं, ये उनकी बातें हो रही, आज के डेट में सीडी लेने का ज़रूरत नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोजेक्टर आपको सस्ते में मिल जाएगा। यूनिफॉर्म एंड बैग की अगर मैं बात करूं, तो एक बारगी बल्क ऑर्डर मत दीजिएगा, पैसा आपका फंस जाएगा। आप एडमिशन के हिसाब से आप इसको समय समय पर यूनिफॉर्म और बैग को आप बनवा सकते हैं, उसका अलग से बहुत ज़्यादा कॉस्ट शुरू में लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये सारी चीज़ें फ़ी में इंक्लूडेड होती हैं, तो आपको मिल भी जाएगा स्टूडेंट के तरफ से। प्ले स्कूल करिकुलम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, लोगों को पता नहीं होता करिकुलम क्या होता है। देखिए इसमें तीन मॉडल काम करता है। सबसे पहला हो गया इसमें मॉन्टेसरी मेथड। मॉन्टेसरी मेथड का मतलब ये हुआ कि इसमें बच्चों को खुद से पढ़ने को प्रेरित किया जाता है, खुद का सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एक्टिविटी के बारे में इसमें बताया जाता है। सेकेंड हो गया इसमें बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को उनसे रूबरू कराया जाता है। सेंसरियल मटेरियल्स होते हैं, स्पिंडल बॉक्सेस हो गया, मेटल इंसेट्स हो गया, इन सभी चीज़ों के माध्यम से उनमें प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस होता है। ये हो गया मॉन्टेसरी। सेकेंड हो गया इसमें रेगियो एमिलिया अप्रोच। देखिए इस अप्रोच का मतलब है कि बच्चों में नेचुरल डेवलपमेंट करवाया जाता है और उनको एनवायरनमेंट के साथ एक अटैचमेंट, एनवायरनमेंट के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करने के बारे में उनका बताया जाता है, या उस टाइप का अप्रोच रखा जाता है। इतना ही नहीं, पेरेंट्स जो हैं वो पेरेंट्स की भी इसमें भूमिका बहुत ही ज़्यादा होती है। तो पेरेंट्स ये सेम अप्रोच को लेके अपने घर पे भी जाते हैं और बच्चों को उसी टाइप से ट्रेन करते हैं। थर्ड हो गया इसमें वाल्डॉर्फ किंडरगार्टन। इस अप्रोच में जनरली बच्चों के इमेजिनेशन लर्निंग डेवलपमेंट के बारे में उनका नया तरीके से सोच पाए और क्रिएटिव और एनालिटिकल थॉट के ऊपर में ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पर कोई भी वर्कशॉप, वर्कशीट, पोस्टर, कैलेंडर, ये सब कुछ भी नहीं लगा होता, बुक और कंप्यूटर तक कुछ भी नहीं होता, एकदम सिंपल क्लासरूम में खिलौनों की मदद से ये सारी चीज़ें पढ़ाई होती हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये तीनों मॉडल हैं, इसके बारे में आपको ज़ुबान पे रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पेरेंट आते हैं तो वो यही पूछते हैं कि आपका प्ले स्कूल का करिकुलम क्या है। तो आपको बताना होगा कि हम मॉन्टेसरी भी रखते हैं, रेगियो एमिलिया अप्रोच भी रखते हैं और वाल्डॉर्फ भी रखते हैं। जनरली वो लोग मिक्स करके रखते हैं, वैसे मॉन्टेसरी ज़्यादा फेमस है, बट आप देख लीजिएगा कि कौन बढ़िया होता है, लेकिन आपको इनका नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। जनरली हमारा चूजिंग स्टाफ के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, तो सबसे पहले आप देखिए स्टाफ में आपका नंबर वन होता है रिसेप्शनिस्ट कम काउंसलर। काउंसलर किसके लिए? पेरेंट्स के लिए। तो रिसेप्शनिस्ट में आप कोशिश कीजिएगा कि कोई फीमेल हो और थोड़ा उनका लुक अच्छा हो। सेकेंड हो गया टीचर एंड असिस्टेंट टीचर, ये डिपेंड करता है कि आपके प्ले स्कूल में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड आप रख लीजिएगा, ड्राइवर एक हो ज़्यादा बढ़िया है,
और इवनिंग क्लासेज अगर आप रख रहे हैं तो आपको एक अलग से स्टाफ रखना होगा। शुरुआती के टाइम में इतना स्टाफ का जरूरत नहीं है, आप मिनिमाइज ज़रूर कीजिए इसमें, खास करके रिसेप्शनिस्ट को रखना चाहिए, टीचर को रखना चाहिए और बाद बाकी आप देख लीजिए। सेकेंड हो गया आपका कि जो भी टीचर हैं या अटेंडीज हैं उनके में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो उनमें बच्चों को लेके एक पैशन होना चाहिए, ये नहीं कि चिड़चिड़ा स्वभाव वाला आदमी हो उसको तुरंत स्कूल से बाहर, सेंस ऑफ ह्यूमर हो, बच्चों के साथ खेल पाए, उनके उनके नखरे को उनके रोने धोने को वो एक्सेप्ट कर ले। बहुत लोगों को बच्चों से चिढ़ हो जाता है तो वैसे लोगों को बिल्कुल नहीं रखना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो टीचर के लिए जो है वो मिनिमम कोई सा भी डिग्री हो और एक्सपीरियंस हो, खास करके हैंडलिंग प्री प्राइमरी किड्स के लिए। और दूसरा है इसमें कि अगर उनका मॉन्टेसरी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट ले चुके हैं वो, तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा। सेकेंड हो गया असिस्टेंट टीचर के लिए, वो मिनिमम 12th भी पास होंगे तो चलेगा। थर्ड हो गया इसमें कि कई बार बच्चे क्या है कि आया से ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं रादर देन की टीचर से, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके जो स्कूल के अटेंडी हैं वो किस टाइप के हैं, उनका बातचीत करने का बिहेवियर, साफ सुथरे वो कितने हैं, इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। मार्केटिंग इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन स्टार्टिंग में मार्केटिंग आप जो भी करिएगा वो एकदम लोकल एरिया में हो, लोकल एरिया बेस्ड मार्केटिंग होना चाहिए और मैक्सिमम 5 किलोमीटर, उससे ज़्यादा दूर नहीं, उससे ज़्यादा दूर कोई भी अपने बच्चे को भेजेगा ही नहीं, तो 5 किलोमीटर के रेंज में आप मार्केटिंग करिए। सबसे पहले इसमें होता है आपका जो भी अपार्टमेंट हो गया या घर हो गया उसके बाहर में एक बोर्ड लगा हुआ था नो पार्किंग, तो आप नो पार्किंग का बोर्ड बनवा के आप उसमें अपना स्कूल का ऐड कर सकते हैं। सेकेंड हो गया कपड़े का बैनर लगा हुआ होता है, आप ये चीज़ लगा सकते हैं अपने स्कूल के आसपास के एरियाज़ में, क्रॉस रोड्स पर, पार्क्स में, या जहाँ पे बच्चे का टॉय सेंटर वगैरह होता है उस जगह पे आप इसको लगा सकते हैं। थर्ड हो गया ऑनलाइन प्रमोशन, तो ऑनलाइन प्रमोशन भी अगर आप कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट के क्वालिटी पर आप फोकस्ड हो। सेकेंड हो गया आपका जितने भी सोशल मीडिया के वेबसाइट हो उस पर आपके वेबसाइट का एक फ़ैन पेज होना चाहिए, उसमें अगर आपको प्रमोशन करना भी है तो आप किसी प्रोफेशनल से करवाइए ताकि वो आपके एरिया पर फोकस्ड होके वो आपका प्रमोशन कर दे। फोर्थ हो गया लोकल टीवी चैनल्स, ये बहुत ही अच्छा काम करता है क्योंकि जैसे ही लोग देखते हैं कि अरे इस स्कूल का ऐड तो टीवी में भी आ रहा है, इसका मतलब ये स्कूल अच्छा है, तो अगर आपको लोकल टीवी चैनल के थ्रू ऐड मिल रहा है तो आप वहाँ पर ज़रूर करवाइए। न्यूज़पेपर बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है। कंडक्टिंग इवेंट्स, जैसे आपके आसपास के इलाके के जो भी अच्छे सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर आप कोई भी इवेंट कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा फ्लेक्स और बैनर। एट्थ हो गया हमारा यूनिफॉर्म एंड स्कूल बैग। जो भी आप यूनिफॉर्म या स्कूल बैग आप लें तो अपने स्कूल का ब्रांडिंग ज़रूर करवाइए, आपका लोगो नाम वगैरह उस पर ज़रूर प्रिंटेड हो। नाइन्थ हो गया जो भी आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो गया आप उस पर अपने स्कूल का नाम लिखवाइए, ये तो आम बात है। और लास्ट हो गया आपका सिनेमा हॉल में क्लिपिंग भी आप दे सकते हैं, वैसे ये बहुत हाई फाई हो गया, फिलहाल में आप स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स पर अगर आप ध्यान देंगे उससे भी आपका काम हो जाएगा। इस काम को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कम से कम आपको 4 से 5 लाख रुपये का पूंजी लगेगा। 4 से 5 लाख रुपये का पूंजी में आप पूरा अपना सेटअप तैयार कर सकते हैं और कुछ महीनों के लिए आप एज अ वर्किंग कैपिटल आप अपना पूंजी भी उसमें रख सकते हैं। इस काम को करने के लिए आपको सरकार की तरफ से लोन भी मिलता है, जैसे सबसे पहला हो गया इसमें मुद्रा स्कीम के तहत आपको लोन मिलता है, और दूसरा हो गया इसमें PMEGP स्कीम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसके तहत सरकार आपको 25 लाख रुपए तक का लोन देगी, और अगर आप मुद्रा लोन के थ्रू अगर आप लोन लेंगे तो आपको मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। लेकिन इन दोनों ही टाइप के लोन को लेने के लिए आपको एक ज़रूरत होगा फुल फ्लेज्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता हूँ, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का तो आप दिए हुए यहाँ पे वेबसाइट पर आप जाकर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपको बता दूंगा कि कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट का क्या चार्ज वगैरह है और कैसे आपको मिल पाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट के थ्रू मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।